नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पिछले दिनों प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने शहर की समस्या से संबंधित कुछ बिंदु उपायुक्त सुजान सिंह के समक्ष रखे थे। सुजान सिंह ने कहा कि नगर के किसी भी स्थान को अंधेरे में नहीं रहने दिया जाएगा, कोई भी डार्क स्पॉट नहीं होगा, लाइटिंग की समुचित व्यवस्था होगी ताकि सुरक्षा की दृष्टि से शहर सुरक्षित हो। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी लाइटिंग व्यवस्था ठीक की जा रही है उसे भविष्य में निरंतर बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लाइट से संबंधित समस्याएं दुरुस्त की जा रही हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए और इस व्यवस्था को निरंतर सुचारू रूप से दुरुस्त रखा जाए। ट्रैफिक लाइट के टाइमर को जल्द लगवाया जाए। इसके साथ साथ ट्रैफिक लाइट के सामने से आ रहे वाहन चालकों की विजिबिलिटी के लिए खंभों पर तकनीकी रूप से एंगल या दूसरी व्यवस्था की जाए ताकि दूसरी ओर से आने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट स्पष्ट नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर लगे खाली एंगलों में सांकेतिक चिन्ह लगाए जाएं ताकि बाहर से आने वाले आगंतुकों को रास्ते के बारे में पता चल सके। उन्होंने इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए कि पहवा चौक के चारों ओर स्लिप वे को बैरिकेड के माध्यम से दुरुस्त रखें ताकि साइड में जाने वाले वाहन बिना किसी असुविधा के चौक पार कर सकें। उपायुक्त ने इसके बाद करनाल मार्ग पर छोटू राम चौक का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि जल्द ही इस चौक पर भी ट्रैफिक लाइट व्यवस्था दुरुस्त और सांकेतिक चिन्ह लगाए जाएं। और इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही यह व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी जिसके लिए कार्य चल रहा है। उपायुक्त ने सभी आमजन से आह्वान किया कि शहर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी समस्याएं डाली जा सकती हैं जिसका निवारण जल्द किया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। भैया, पहली प्रेस वार्ता हुई थी तो आप लोगों ने लाइट व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कुछ बिंदु उठाए थे तो उन पे हमने संबंधित विभाग से बात की और इससे पहले भी शाम को आप लोगों के साथ इस स्थल का भी मुआयना किया था और भी जो पार्क का था उसका भी मुआयना किया था। तो उसके बाद लगातार विभाग कार्य कर रहा है और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर बिजली विभाग का एक पोल था, काफ़ी दिनों से टूटा हुआ था, वो नहीं उठाया गया था। तो जैसे ही आप लोगों ने मेरे संज्ञान में लाया तो विभाग ने उस पर कार्रवाई करके उसको उठा दिया है और व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। और आप लोग देख रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे लाइट के पॉइंट्स हैं कोई भी ऐसा डार्क पॉइंट ना रहे शहर में ताकि लोगों को किसी असुरक्षा का सामना करना पड़े। ये हमारा सभी का कम्बाइंड सामूहिक उद्देश्य है, ध्येय है। और धीरे धीरे जो अब दोनों ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारे यहाँ वो भी अब आप लोगों ने देखी तो उनकी जो समस्याएं ट्रैफिक जो पुलिस है उसको आ रही है संचालन करने में कि किसी की या तो हाइट ऊपर करनी है या उसका एंगल कुछ ठीक करना है तो वो हम देख रहे हैं। उसके लिए जो टाइमर्स है वो हम मंगा रहे हैं, कल तक आ जाएंगे। तो टेक्निकली भी और इंजीनियरिंग ऑफ व्यू से किस तरह से हम पोल पे ढंग से ट्रैफिक लाइट लगा सकें ताकि जिनका जो मकसद है वो पूरा हो सके, उस पे हम अपना कार्यरत हैं और उम्मीद है अगले कुछ दिनों में आपको इसमें और सुधार नज़र आएगा। बिल्कुल, ये खुले मन से हम बिल्कुल ये संज्ञान करते हैं। शहर के किसी भी वासी को किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी है तो बिना झिझक और कभी भी जो है हमारे ऑफिस में आके या जो व्हाट्सएप नंबर जो पहले भी चल रहा था अब भी चल रहा है उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है हम उस पर बिल्कुल ही जरूर और बहुत जल्दी ही उस पर कदम उठाएंगे ताकि उसकी समस्या का निदान हो सके। मैं यही कह रहा था, जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई समस्या आती है, परसों भी आपने देखा किसी ने बस स्टैंड के आसपास की समस्या थी, वहाँ की महिलाएँ आई थी और उसके आधा घंटे में हमने कार्रवाई की और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है ना वो चीज़ पकड़ी गई। तो जैसे जैसे चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं हम उस पर पूरी भरपूर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात भी आपने उठाई थी तो उसमें हम सोच रहे हैं उनका टाइमिंग किस तरह से फिक्स किया जाए इसके बारे में हम मीटिंग करेंगे जल्दी ही ताकि शहर को भी समस्या ना हो और उन लोगों को जो गुजरना है वहाँ से उनको भी समस्या ना हो, कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जो समस्या उसका समाधान हम कर सकें। आपके जहन में है वो ही मेरे जहन में। थैंक यू।